मंजिल उन्हें कभी नहीं मिलती जो अड़े रहते हैं, मंजिल तो उन्हें मिलती है जो सही रास्तों पे खड़े रहते हैं। 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की लाइफ चेंजिंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बीइंग विद द एंड इन योर माइंड, हमेशा मंजिल की तरफ नजर रखो और आगे बढ़ते चलो। सोचिए आपकी जिंदगी के सिर्फ 5 साल बाकी हैं, 5 साल बाद आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे। अब आपको ऐसी जिंदगी गुजारनी है कि इन 5 सालों के बाद आपकी डेथ बॉडी रखी हो, उस वक्त आपके बारे में लोग कुछ ऐसा कहें जो आप आज चाहते हो उनके मुंह से सुनना। आमतौर पर लोग अपनी जिंदगी के मकसद को भूलकर सिर्फ वो काम करते हैं जो अभी के लिए जरूरी होता है। इस तरह से वो प्रोएक्टिव होने की जगह रिएक्टिव हो जाते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर्स, ऑफिसर, नेता या और फिर कोई दिन रात रुपया कमाने की दौड़ में लग जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी खरीदना उनका मकसद बन जाता है, मालो दौलत जमा करना उनका मकसद बन जाता है। लेकिन जब ये तमाम चीजें उनको हासिल हो जाती है, उसके बाद भी उनको वो सुकून नहीं मिलता, वो राहत नहीं मिलती, वो चैन नहीं मिलता जिसकी उन्होंने कल्पना की थी, जिसके बारे में उन्होंने तसव्वुर किया था। इस तरह से वो अपनी जिंदगी गुजारने के बावजूद भी कहीं नहीं पहुंच पाते। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम मजहब का प्रचार लोगों में शुरू किया, उस वक्त तो वो लोगों से कहते थे तुम इस्लाम मजहब को कबूल कर लो, अल्लाह की तुम पर रहमत होगी, अल्लाह तबारक व तआला आपको रूम और पर्सिया का हाकिम बना देगा, यानी मालिक बादशाह बना देगा। उस वक्त अरब छोटे मोटे कबीलों में बिखरा हुआ था, अरब के अंदर इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो रूम और पर्सिया के साथ मुकाबला कर सके, तो उन पर हुकूमत करना तो बहुत दूर की बात थी। लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने लोगों में ये जज्बा पैदा किया, लोगों को इस्लाम की तरफ रागिब किया और धीरे धीरे एक मुत्तहिद ताकत बनाई, और ये ताकत आगे चलकर इतनी मजबूत बन गई, इतनी मुस्तहकिम बन गई कि इसी मुसलमानों की ताकत ने दुनिया के 3 बड़े आजमों पर अपने फतेह के झंडे गाड़ दिए। ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ वही कर सकता है जो अपनी ज़िंदगी का एक मकसद लेकर आगे बढ़ता है, और आखिरकार वो मकसद मुकम्मल होकर ही रहता है। कोई भी चीज़ दुनिया में 2 बार बनती है, पहले वो आपके दिमाग में या दिल में बनेगी, उसके बाद हकीकत में बनेगी। इसका आसान सा मतलब है कि आपके पास जो कुछ है या आप जो कुछ हैं, वो पहले खुद के दिलो दिमाग में थे, तब जाकर हकीकत में आप बने। इंसान की जिंदगी के 3 दायरे यानी 3 सर्कल होते हैं। पहला सर्कल उसका अपनी जात का है, जो इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपनी कामयाबी के बारे में सोचता है, अपनी सेटिस्फेक्शन, अपने एंजॉयमेंट और अपनी ही ग्रोथ के बारे में सोचता है, वो इंसान दुनिया के लिए बेमानी सा हो जाता है। उसके रहने या फिर दुनिया से चले जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोग दुनिया में आकर कब चले जाते हैं किसी को पता नहीं चलता। लेकिन जो लोग पहले दायरे से दूसरे दायरे में यानी दूसरे सर्कल में पहुँच जाते हैं, वो लोग अपने परिवार के बारे में, अपने खानदान के बारे में, अपने दोस्त अहबाब के बारे में, अपने रिश्तेदारों के बारे में सोचने लगते हैं। ऐसे लोगों की ज़िंदगी पहले दायरे वालों से काफ़ी अच्छी, बेहतर और खुशहाल होती है, क्योंकि वो अपनों की नज़र में बहुत अच्छे काम के और फ़ायदेमंद होते हैं। उनके दुनिया से जाने के बाद उनके अपने उन्हें याद करते हैं। जब ये दोनों दायरे में से इंसान गुजरकर जब तीसरे सर्कल में पहुंचता है, ये सर्कल है हमारी सोसाइटी, हमारे देश और इस दुनिया को कुछ अच्छा बेहतर काम का देना। इस तीसरे सर्कल में जो इंसान पहुंच जाता है, वो पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन जाता है। पूरी दुनिया वाले उसकी ज़िंदगी से कुछ ना कुछ सीखते हैं, कुछ ना कुछ हासिल करते हैं। इस तरह से वो हमेशा के लिए जिंदा रह जाता है। जिसने पूरी दुनिया के लिए बहुत कुछ करने का जज्बा रखा और किया, ऐसे लोग रहती दुनिया तक याद रखे जाते हैं। याद रखें, जिन लोगों का अपना खुद का कोई मकसद नहीं होता, लोग अपना मकसद पूरा करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। रुपया, अच्छी लाइफ स्टाइल और पावरफुल बनना, ये जिंदगी का असल मकसद कभी नहीं हो सकता। जिंदगी का असल मकसद है खुद को जानना, अपनी काबिलियत को पहचानना, दूसरों के लिए मदद करना, दूसरों की खिदमत करना और अपनी जात को अपने परवरदिगार यानी बनाने वाले के साथ जोड़ देना। जो लोग बहुत ज्यादा कामयाब, इफेक्टिव होते हैं,
उनमें अपने मकसद को लेकर आगे बढ़ने की जो खूबी होती है, उसी खूबी की वजह से वो इतने कामयाब बन पाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी अपनी ज़िंदगी के अंदर कामयाब बनो, सक्सेसफुल बनो, तो इन खूबियों को आपको भी अपनाना होगा। सबसे पहले अपनी ज़िंदगी का एक मकसद बनाएं कि आपको अपनी ज़िंदगी में क्या हासिल करना है, क्या चीज़ पानी है। जो कुछ चीज़ आप हासिल करना चाहते हैं, अगर वो चीज़ आपको मिल जाए, उसके बाद आपको कैसा लगेगा, आपकी ज़िंदगी कैसे तब्दील हो जाएगी, इसके बारे में भी सोचिए। आपकी कामयाबी से किस किस को फ़ायदा पहुंचेगा, किस तरह से लोगों की आप मदद कर सकोगे, इसके बारे में सोचें। अपनी ज़िंदगी में जो मकसद आपको हासिल करना है, उसके लिए खुद को कैसे तैयार करोगे, किन स्किल्स को सीखना आपके लिए ज़रूरी है या इम्प्रूव करना आपके लिए लाजिम है, इसकी भी लिस्ट आपको ज़रूर बनानी होगी। आपका मकसद किस तरह से आपका और दूसरों का फ्यूचर बदल सकता है, ये भी आपको जानना होगा। आपके मकसद को पूरा करने में आपको कितना वक्त लग सकता है, इसका भी अंदाज़ा आपको लगाना होगा। क्या आप जो हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए आपके अंदर तमाम खूबियां मौजूद हैं, तमाम सलाहियतें मौजूद हैं, जिसकी बदौलत आप वो चीज़ हासिल कर सकते हैं। मसलन, अगर आपको नाचते नहीं आता और आप चाहते हैं कि आप एक अच्छे डांसर बन जाएं, तो ये नामुमकिन सी बात है। इसलिए जो भी मकसद आपने अपनी ज़िंदगी के लिए बनाया है, क्या उसके लिए आपके अंदर पूरी पोटेंशियल मौजूद है, पूरी सलाहियतें मौजूद है? अगर हाँ, तभी उस फील्ड में आप आगे जाएं। याद रखें, जिनका मकसद तय हो जाता है और जो अपनी मंजिल की राह पर आगे निकल जाते हैं, वो रास्तों की मुश्किलों से, परेशानियों से नहीं डरते, बल्कि उनका प्रोएक्टिव होकर मुकाबला करते हैं और उनका खात्मा करते हुए अपनी आखिरी मंजिल तक पहुँच जाते हैं। इस तरह से प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ, बीइंग विद द एंड इन योर माइंड सेटअप के साथ, आप अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल कर सकते हो, ज़िंदगी में वो कुछ बन सकते हो जो आप चाहते हैं। मुझे उम्मीद है 7 Habits ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की इस सेकंड वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आने वाली और भी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबा दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।